एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा रावत नेगी। और इससे पहले वाले व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ स्टे करने के लिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स का प्लान बना है नाइट स्टे का। सो मैंने संदीप के लिए सब कुछ खाना पीना बना लिया है और अभी संदीप का ऑफिस चल रहा है, तो मैं अभी आपसे उनको नहीं मिलवाऊँगी। मैं अभी डायरेक्ट अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी और वहाँ आप लोगों को उससे मिलवाऊँगी। गला बिल्कुल अभी भी मतलब ठीक नहीं है, थोड़ा सा मतलब आवाज़ थोड़ी सी अलग लगेगी आपको वीडियो में, मुझे खुद को फील हो रही है क्योंकि थोड़ी भारी भारी ज़्यादा भारी आ रही है। तो चलते हैं हम लोग अंकिता के घर और मेरी एक और फ्रेंड वहाँ पे आएगी, तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो काफ़ी गपशप होगी, खाना पीना होगा, मस्ती करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं भी आपको उनसे मिल पाऊँगी। सो चलते हैं हम लोग, चलिए। अंकिता यहाँ कुकिंग कर रही है। अंकिता ने हमारे लिए बनाई है राजमा, राजमा राइस। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। और राइस अब साइड में रख दिए, इससे पहले हम चाय पियेंगे। इप्सिता कर रही है यहाँ पे काम और अंकिता कर रही है अंदर कुकिंग। अंकिता अब हमारे लिए चाय बना रही है अदरक वाली। अंकिता तो कितनी अच्छी है यार, एटलीस्ट थोड़ा सा हाय तो बोल दे। हाय, ऐसे हाय बोलता है कोई? मेरा इप्सिता के पास जाओ। इप्सिता ने हाय बोल दिया है। हाय, ये है अंकिता और ये बहुत बिजी हो रखी है खाना बनाने में। के लिए खाना बनाना है मुझे। ओहो हो, और अब हम ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, बस हल्का फुल्का है। राजमा हमारी रेडी है, अंकिता ने बना दिए, और बस अब हम तो साथ तीनों बैठ के बातें शाते करेंगे। सब कुछ हो चुका है, अब हम तीनों बैठ के थोड़ा बातें करेंगे, चाय पियेंगे। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि अगर वीडियो शूट करने लग गई तो हम बात नहीं कर पाएंगे। सो बस अंकिता बिजी, इप्सिता यहाँ बिजी, ये अभी अभी ऑफिस से आई है। हाल देखो यार, चलो फिर बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब घर आ चुकी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, तो वहाँ का जितना शूट है वो इसमें है। उसके बाद मैंने आने का शूट नहीं बनाया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड की मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसे रात को अचानक जाना पड़ा, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि व्लॉग में आगे कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसलिए अब उसकी मम्मी की तबीयत ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये व्लॉग डाल लेती हूँ। तो आंटी जी जल्दी से अच्छे हो जाइए और फिर हम आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। बस अब मैं घर आ चुकी हूँ, तो घर तो मैं आ गई हूँ। आज मिंत्रा से भी कुछ आया है और मिंत्रा के साथ साथ मैंने एक जगह है मतलब बैगलो करके, अगर आपको इसमें दिख रहा है मैं आपको दिखा दूँगी, यहाँ से भी कुछ मंगवाया था, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या मंगवाया था। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था। गाइस, ये दो चीज़ें आई हैं मिंत्रा से, मैंने इन्हें खोल लिया है। और ये है काफ्तान, ये भी मैंने खोल लिया, ये मैंने दो मंगवाए थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को एक गिफ्ट कर दिया है। और जहाँ से मैंने काफ्तान मंगवाया है तो उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा बैग भी दिया है, तो मैं आपको ये भी दिखाऊँगी जब मैं यूज़ करूँगी। सो ये है बैग लो करके, आप इसे इंस्टा में देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने काफ्तान मंगवाए हैं, बहुत अच्छे हैं, आप भी मंगवा सकते हैं।
तो ये जो ड्रेसेस हैं ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई है और मैंने संदीप को नहीं बताया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। लेट्स मी सी, ये एक सूट है ग्रीन कलर का और ये एक ड्रेस है जो मैंने दो चीजें मंगवाई हैं। तो आपने जैसा कि देखा मैंने दो चीजें मंगवाई है, मैंने संदीप को नहीं बताया है। सो ये मुझे डिस्काउंट में मिले हैं, मिंत्रा में सेल चल रही है, सेल, तो ऐसा हो सकता है कि हम सेल का फायदा ना उठाएं। सो मैंने ये दो मंगवाए हैं, मैंने ट्राई करूंगी तब तो आपको बताऊंगी। तो ये मैंने चुपके चुपके क्या लिया चुपके चुपके तूने? ये क्या है? मित्रा से क्या है? ये तुम चुपके चुपके मंगाए क्या? नहीं। और ये साइज क्या है ये? प्लीज किसके लिए मंगाया है? मेरे लिए तो नहीं मंगाया गई सूट है यार। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, मैंने सोचा था संदीप को भी नहीं दिखाऊंगी बट फिर मेरी चोरी पकड़ी गई। मिंत्रा में सेल चल रही है तो मिंत्रा में खाली लड़कियों के लिए सेल चल रही है, लड़कों के लिए नहीं चल रही। मेरे लिए मंगा लेते कुछ, आपके लिए मंगवाना है। अब तो तूने अपने लिए मंगा लिया। नहीं अभी मैं दोबारा मंगवाऊंगी, मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा है, मेरा दिल चल रहा है। अभी मैं दोबारा मंगवाऊंगी तो आप भी पसंद कर लेना। कैसा लग रहा है वैसे आपको? मुझे कैसा लगेगा, मेरे थोड़ी कुछ आया है। बाद में बात करती हूँ। तो संदीप के जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये है काफ्तान, ये थोड़ा सीधा सीधा सा ही दिखता है लेकिन यहाँ से ये फिट हो जाता है, यहाँ से इसको टाइट कर सकते हैं। सो बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये काफ्तान। मतलब आजकल मुझे ये नया नया शौक चढ़ा है, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने इसका बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो जिसमें काफ्तान है, बैग्स हैं, स्टॉल्स हैं। तो आप देख सकते हैं बैगलो करके है, मैंने आपको कार्ड दिखाया है, मैं आपको लास्ट में दोबारा दिखा दूंगी। सो वहां से मैंने इन्हें परचेज किया है और एक बैग उसने मुझे एज अ गिफ्ट दिया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मैं जब भी इसे यूज करूंगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी बैगलो का, आप उस वेबसाइट में जाके जरूर देख सकते हैं चीजें। एंड मिंत्रा में भी सेल चल रही है तो सेल का फायदा उठाइए और सेल से अपने लिए, क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों में सूट चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, तो लीजिए। साड़ियां वगैरह भी बहुत अच्छे प्राइजेस पे है, तो मैं तो चुपके चुपके इसका फायदा उठाना चाहती थी पर अब मैं फंस गई हूँ तो मुझे संदीप के लिए भी कुछ देखना पड़ेगा। तो वैसे भी मैंने देखना तो था ही बट पहले मैंने सोचा था अपने लिए कुछ कुछ मंगवा लेती हूँ। तो लेकिन अब मैं फंस गई हूँ इसलिए मुझे संदीप के लिए भी कुछ मंगवाना पड़ेगा जल्दी से, तो उसके साथ मैं अपने लिए कुछ और भी मंगवा लूंगी। तो बस यही मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। जब भी मैं अब इन्हें पहनूंगी आपको मैं जरूर दिखाऊंगी कि मैंने ये तब लिया था इन ड्रेसेस को। अभी मैं इसे पूरा नहीं दिखा रही हूं क्योंकि बात के लिए सस्पेंस रहना चाहिए। सो बस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूं। मैं अंकिता को भी एक काफ्तान गिफ्ट किया है, सो वो मैं इसमें नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि मैंने वो पहले दे दिया, बट वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, उसे बहुत पसंद आया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि किसी को कुछ पसंद आ गया तो चलो अच्छी बात है। और एक और चीज़ मैंने इससे पहले डाला था जो राशन का व्लॉग, तो बहुत टाइम बाद मेरी फ्रेंड से, मेरी एक फ्रेंड है जो कॉलेज में थी इसना, उसने मुझे कॉल किया अंकिता के थ्रू और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसे मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अब उसको भी राशनिंग सीखनी है तो उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा और तो मुझे और चीज़ें भी बता राशन के बारे में। तो इसना व्लॉग्स देखते रहना, धीरे धीरे सब पता चलेगा, साथ मिलके सीखेंगे यार सब कुछ।
अकेले अकेले कुछ नहीं होता है। और गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जो घंटी से ऊपर आती है, तो जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, आपको क्या पसंद आता है, आपको क्या देखना है, आपको मैं और चीजें दिखाऊंगी फिर। सो, मेरी भी नई नई कोशिश है, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये कोशिश पसंद आए। मैं भी धीरे धीरे खुल रही हूँ आप लोगों के साथ, इतना आसान नहीं होता है सब कुछ दिखाना बात करना, बट अब अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपकी चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर लाइकिंग माय व्लॉग्स और मुझे अप्रिसिएशन देने के लिए कि मैं अच्छा कर रही हूँ। हर किसी को तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बुरा भी लगेगा, बट मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ और मैं आपको वैसा ही दिखा रही हूँ। सो, अब हम चलते हैं और इस व्लॉग को कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया बार बार मत कीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब हो जाता है। सो, बाय।